हेलो फ्रेंड, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है गोभी के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बने हैं। तो इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे मैंने बहुत सारे क्राफ्ट की भी वीडियो डाला हुआ है, एक बार विजिट करके देखिए, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं उस पे। आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी और काफी अच्छी बनती है। तो गोभी के पराठे मोस्टली लोगों को बनाने में बहुत तकलीफ होती है, अक्सर प्रॉब्लम कुछ न कुछ आती है। तो मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत ही अच्छी सी गोभी का पराठा बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने गोभी के फूल को लिया है, इस तरह से फूल को मैंने ले ली। यहाँ पे एक प्याज ली हूँ, प्याज को इसको मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा करके मिर्च को ले सकते हैं। कुछ धनिया ली हूँ, धनिया के पत्ते, जिसमें कि मैंने डंठल को भी यूज किया हुआ है, स्टेम को भी यूज की हूँ। इन सब को क्या करूँगी कि एक इस तरह का फूड प्रोसेसर लूंगी, सॉरी क्रशर लूंगी, इसमें डाल करके अच्छे से हमें क्रश कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें फ्रेंड्स तो गोभी और प्याज को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम ही शॉर्ट फॉर्म इजी में आपको बताने वाली हूँ मेथड। तो इस तरह से आप फॉलो करते हुए बनाइए, बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बनेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कद्दूकस करके बनाना चाहते हैं या क्रश करके बनाना चाहते हैं। तो इसे तो मैं क्रश कर लूंगी, ये प्रोसेस तो करके तैयार कर लूंगी। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छी बनती है, तो इसे आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। तो इसे हम क्रश करके रेडी कर लेंगे, इसे साइड में रखेंगे। ये हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा। ये आप मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा अनहेल्दी होता है, उतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा का यूज किया हुआ है। तो गेहूं के आटे में मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करूंगी। मसाले में मैंने लिया है ये हींग, हींग को डाल दूंगी। गोभी बना रहे हैं तो हींग तो डालना कंपलसरी है भाई, हींग तो डालना ही पड़ेगा आपको। तो हींग डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे नमक। ये हमने लिया है नमक, नमक को डाल दूंगी। नमक डालने के बाद एक पिंच लिया है हमने हल्दी, हल्दी को डाल दूंगी। यहां मैंने लिया है अजवाइन, एक पिंच अजवाइन ली हूं, इसे डाल दूंगी। ये है धनिया और जीरा का पाउडर, ये होममेड धनिया जीरा पाउडर है, इसे डाल दूंगी। ये मैंने कसूरी मेथी लिया हुआ है, कसूरी मेथी को पहले से ही मैंने क्रश करके ले ली हूं, इसे डाल दूंगी। थोड़ा सा हमने कच्चा जीरा लिया है, इसे डाल दूंगी। और ये ली हूँ बेकिंग सोडा, जिससे कि पराठे काफी सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो इन सबको, सारे मसाले और सारे चीज को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसे हमें हल्का सा मिक्स करना होगा। यहाँ पे हमने ली हूँ लिया है हमने सफेद तिल, ये सफेद, ये अनपॉलिश सफेद तिल है, ये तिल ली हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तिल को डाल दूंगी। उसके बाद इन सबको डालने के बाद थोड़ा सा हमें मिक्स कर लेना है,
ताकि सारे स्पाइसेस जो मैंने इसमें यूज की हूँ वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल ली हूँ, इसे डाल दूंगी। इसके जगह पे आप घी का यूज कर सकते हैं। तो इन सब को मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा आटा गूंद करके रेडी कर लूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ और काम करना है, उसे मैं बता देती हूँ। तो इसे मैंने काफी अच्छा सा बारीक सा क्रश कर लिया है, आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह से क्रश कर ली हूँ। ये थोड़े से मोटे जो रह गए हैं उसे निकाल देना है हमें, और ये ब्लेड को भी निकाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल दूंगी नमक, इसी समय नमक डाल दूंगी। और नमक डाल के इसे हमें इस तरह से मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देना है। उतना देर छोड़ूंगी जितना देर की ये जो मसाले जो हम सॉरी आटा जो रखी हूँ उसको गूंदना है। जितना देर आटा गूंदने में टाइम लगेगा बस उतना देर इस नमक को मिक्स करके छोड़ दूंगी। फिर आगे का हम प्रोसेस करते हैं, इसे साइड में कर देंगे। और ये जो आटा हमने रखा है इसे मैं इस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छा सा गूंद करके, पराठों का जब भी स्टफिंग वाले पराठे जब आप बनाएं तो आटा जो है नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी टाइट होती है और पूरी के आटे से थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा अगर सॉफ्ट आप बना देंगे आटा को तो फिर स्टफिंग आपका फटने लगेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आटा को हम गूंद करके रेडी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए रेडी कर लेते हैं। तो आटे को मैंने इस तरह से गूंद लिया है। गूंदने के बाद इसे क्या करूंगी, इस तरह से गोल करके इसे रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये जो हमने नमक मिक्स करके इसमें जो रखी थी, अब इसे क्या करेंगे, या तो अच्छे से मुट्ठी से बांध के अब पूरे पानी को निचोड़ दूंगी, नहीं तो आप एक कोई अच्छा सा कपड़ा लीजिए, कॉटन कपड़ा लीजिए, और उस कपड़े में इस सारे मिक्सचर को डाल करके इसके सारे पानी को निकाल लीजिए। तो मैं इसके इसको अच्छे से स्क्यूज करके पूरा पानी को निकाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से हमने निचोड़ करके एकदम ही सारे पानी को निकाल ली हूँ। इसको कपड़े में दबाते हुए पूरे पानी को इस तरह से निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ मसाले ली हूँ, जिसमें कि ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसे डाल देंगे। ये चिली फ्लेक्स है, इसे डाल दूंगी। ये है बारीक सेव। ये डालने से क्या होगा, अगर गोभी में थोड़ा भी अगर पानी रिलीज छोड़ेगा पानी ये होगा तो ये भुजिया जो है उस पानी को अच्छे से एग्जॉर्ब कर लेगा, ताकि पराठा बनाते समय आपको अच्छे से आराम से बन जाएगा। तो इन सबको डाल दूंगी। डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है, बस हल्के हाथों ही मिक्स करेंगे, ज्यादा हमें पुश नहीं करना। बस नमक तो ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है, नमक डालने की जरूरत नहीं है, और आटे में भी हमने नमक को डाला हुआ था। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, देखिए काफी अच्छा सा मिक्स हो गया। आप यहाँ पे चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं, जिससे कि गोभी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी एक क्यूब डालती हूँ। तो यहाँ पे हमने चीज एक क्यूब को इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ, इसे भी डाल दूंगी इसमें। डालने के बाद इसे हमें बस मिक्स कर लेना है। रियली फ्रेंड, ये पराठे बहुत टेस्टी और काफी अच्छे लगेंगे। बच्चे भी जो नहीं खाना चाहते हैं गोभी, वो भी अगर चीज डाल करके इस तरह से बना करके आप बच्चों को दोगे तो काफी टेस्टी और अच्छे से पसंद से वो टिफिन में भी खाएंगे
और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि इतनी अच्छी ये पराठे बनकर रेडी होगी। तो देखिए ये मिक्स हो गया। इधर जो आटा हमने ढक के रखा था, आटे को थोड़ा मसल दूंगी। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनते हैं। मसलने के बाद आपको जितनी बड़ी साइज में पराठे बनाने हैं इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उस हिसाब से इस तरह से एक पेड़े बना लेंगे। बनाने के बाद अब हम आगे का प्रोसेस, ये हमने सूखा आटा लिया, सूखा आटा को डिप करूंगी इसमें। डिप करने के बाद इसकी एक पतली सी हमें रोटी बना करके रेडी करनी है। ज्यादा मोटा नहीं, बस पतला सा रोटी बनाना है हमें। इसे बेल लूंगी। ये इतनी बड़ी हमने इस तरह से इतना पतला सा रोटी बना करके रेडी कर ली हूं। अब हम इसे क्या करेंगे, एक चाकू लूंगी, एक सेंटर से कट करूंगी। ऐसे कट करने के बाद एक निशान लगा दूंगी, इतना ये निशान थोड़ा होना चाहिए। ये हमारा निशान है, काटना नहीं है, बस निशान लगाना है। अब मुझे इसमें फील करना है जो हमने बनाया है। ये इस तरह से अगर पराठे को बनाएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और काफी अच्छा सा बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि किनारों पे ये ना जाए। इस तरह से रखने के बाद पराठे को इस तरह से उठाऊंगी और हल्का सा इस तरफ से दबा दूंगी। दबाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इधर से उठा के इस तरफ। ये रियली बहुत टेस्टी और काफी अच्छे ये पराठे बनते हैं फ्रेंड। तो इस तरफ से करने के बाद जो एक्स्ट्रा है, किनारों को दबा दूंगी। दबाना किनारे बहुत जरूरी है, इस तरह से दबा दीजिए किनारों को। और फिर इसमें हम सूखा आटा थोड़ा लगा के अच्छे से बेल लूंगी। अब तक तो आपने गोल पराठे तो बहुत खाए होंगे बनाकर, लेकिन कभी आप इस तरह का पराठा बनाइए, बिल्कुल फटेगा भी नहीं और काफी अच्छा सा बन करके भी रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे बेल लूंगी। देखिए बिल्कुल नहीं फटता है ये पराठे, बिल्कुल नहीं फटेगा फ्रेंड जब आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए कहीं से भी कोई क्रैक्स नहीं आया और हमारा जो गोभी का स्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकला। काफी अच्छा सा ये ट्रायंगल पराठा बन करके रेडी हो गया। देखिए काफी अच्छा बना ना, और इसे मैंने इतना पतला भी बेला है। तो इसी तरह बाकी के पराठों को बना करके रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पराठों को बेल करके रेडी कर ली हूँ। बहुत टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनेंगे। इसकी पूरी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। तो पराठे जो है हमने इस तरह से बेल करके रेडी कर ली। इधर हमने तवा गरम होने रख दिया है, तवा जो है अच्छा सा गरम हो चुका है। अब एक एक पराठे को इस पे डालूंगी और डाल के अलटते पलटते इसे हमें अच्छे से क्रिस्प करके बना लेना है। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छी पराठे बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कौन से सिटी से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छी सी दिल से एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो नहीं भी अच्छी लगती है फ्रेंड तो कमेंट करके बताइए मुझे
कि इसमें मेरी वीडियो में कौन सी चीज की कमी रह गई है, मैं उस चीज को पूरा करूंगी। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी, घी लगा दूंगी। यहाँ पे आप चाहे तो कुकिंग ऑयल जो आप खाना पसंद करते हैं उसे आप लगा करके बनाइए। तो इस तरह से सारे पराठों को मैं सेक करके रेडी कर लूंगी। बस इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन करके हमें रेडी कर लेना है। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छी पराठे हैं फ्रेंड, और साथ में सॉफ्ट भी बनेगा। सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इसमें क्या डाला हुआ है वो हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने पराठे में क्या ऐसा डाली जिससे कि हमारे पराठे जो है काफी सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का हल्का दबाते हुए पराठे को अच्छे से सेक करके रेडी कर लूंगी। देखने में काफी यमी और टेस्टी पराठे लग रहे हैं ना, तो इसी तरह मैं सारे पराठों को बना करके रेडी कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया सा पराठा रेडी हो गया। तो देखिए काफी अच्छा सा हमने अलटते पलटते पराठे को बढ़िया सा सेक के रेडी कर ली हूँ। बहुत बढ़िया और काफी अच्छे पराठे बनकर रेडी हो गए ना। देखिए कितना यमी और टेस्टी लग रहा है ना ये पराठे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो प्लीज एक अच्छी सी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए काफी बढ़िया ये पराठे बनकर के रेडी हो गए। ये गर्मा गर्म पराठे मजा आ जाएगा जब आप इस तरह से बना के बच्चों को दोगे खाने के लिए, तो मजा आएगा। इसे मैं खोल के दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और काफी अभी गर्म है। आराम आराम से पलटूंगी इसे आराम से। वाह, कितने अच्छे पराठे बनके रेडी हो गए ना। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना ये पराठे। मजा आ जाएगा जब इस तरह से आप पराठे बनाकर खाओगे और बच्चों को खिलाओगे, फैमिली को खिलाओगे, तो खुश हो जाएंगे सारे फैमिली मेंबर्स। इस तरह का गोभी का पराठा बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा देखिए लग रहा ना, सो यमी और टेस्टी। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए फ्रेंड कि आपको हमारे ये गोभी के पराठे कैसे लगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।